नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा ही होगा एपलॉक, जैसे कि आप अपन व्हाट्सअप फेसबुक यूज़ करते हैं और व्हाट्सअप फेसबुक यूज़ करने के बाद जो है अपन उसको पर्सनल रखने के लिए उसको एक एपलॉक भी यूज़ कर सकते हैं। तो एपलॉक को यूज़ करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी आपके दोस्त या कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव जो है आपको यूज़ करते हुए देख लेता है और जो आपका पासवर्ड है उनको मालूम पड़ जाता है। तो क्या होता है दोस्तों कि जो पासवर्ड है वो यूज़ करके जो आपके फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है वो आपका पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रखते दोस्तों। तो क्या होता है कि जो दोस्तों आपका जो पर्सनल लाइफ लीक हो जाता है, तो आपको कोई भी मैसेज या कोई इमेज या फोटोज वीडियोस कोई भी आपको सीक्रेट नहीं रह पाता है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ दोस्तों। ट्रिक मतलब ऐसे है कि दोस्तों मैं एक एपलॉक लेके आया हूँ, जो एपलॉक ऐसे है जो आपका पासवर्ड किसी ने भी देख लिया दोस्तों तो वो फिर से ओपन नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो क्या है वो ऐप, तो इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो टेकिशू चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, तो मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, चलो बाय। तो दोस्तों हम ये आ गए मोबाइल स्क्रीन पर। तो मोबाइल में आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, रिसेंटली आपको प्ले स्टोर ऐप में जाना है। प्ले स्टोर ऐप में जाकर आपको ऐप लॉक टाइम पासवर्ड टाइप करना है दोस्तों। तो सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों ये जो सबसे ऊपर आ रहा है ऐप लॉक, यहाँ पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ये पहले से इंस्टॉल करके रखा है दोस्तों, इसलिए मुझे डायरेक्टली ओपन का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। तो ये मैं ओपन करता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको खाली सिर्फ एक सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो यहाँ पर ये करंट टाइम जो दिखा रहा है सबसे ऊपर दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये करंट टाइम पे क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों ये ऐप आपको परमिशन मांगेगा, तो परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। जितने भी परमिशन मांगेगा आपको अलाउ कर देना है। तो ये अपन अलाउ कर दिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे ऊपर ऐप लॉक में नो का ऑप्शन बता रहा है, वहाँ पर आपको जाके एस कर देना है दोस्तों। और ये अलाउ जो डिस्प्ले ओवर द ऐप से यहाँ पर ऑन कर देना है दोस्तों। ये ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है दोस्तों। बैक आ जाने के बाद आपको वहीं पर आपको करंट टाइम में क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दो ऑप्शन दिखा रहा है, एड मिनट प्री सेट या एड मिनट पोस्ट सेट। ये क्या है दोस्तों कि आपको जो है करंट टाइम के दो मिनट पीछे चाहिए या करंट टाइम के दो मिनट आगे चाहिए, ये बताया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ये मुझे जो है वो करंट टाइम ही चाहिए, तो ये मैं ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करूँगा, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है ऐप लॉक टाइम पासवर्ड का, तो यहाँ पर जो बता रहा है दोस्तों कि ये ऑल्सो अप्लाई रिवर्स पिन मॉडिफायर, मतलब आपको जो है करंट टाइम जो है उसका रिवर्स में आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं जो टाइम पासवर्ड बता रहा है वही मैं चाहता हूँ, इसके लिए मैं ओके पे क्लिक करके इसको स्किप कर दूंगा। तो स्किप करने के बाद देखो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन बता रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी क्वेश्चन में मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड वाला है, व्हाट वाज योर चाइल्ड निकनेम, तो मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ दोस्तों और यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। तो उसके बाद देखो दोस्तों ये इनेबल हो गया लॉक। तो ये मुझे ऐप पे लगाने के लिए मैं चूज़ करता हूँ ऐप। तो दोस्तों मेरा तो व्हाट्सअप लॉक है, इसके लिए मैं फेसबुक पर ट्राई करूँगा इसको। ये देखो दोस्तों यहाँ पर जो फेसबुक है मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर दोस्तों क्या बता रहा है कि आपको सेटिंग में जाके इसको एक्सेस देना होगा। तो ये सेटिंग्स में अपन जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद देखो ऐप विद यूसेज एक्सेस आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये ऐप लॉक जो है वो ऑफ है, उसको ऑन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे परमिट यूसेज एक्सेस दे देना है दोस्तों। यहाँ पर परमिट एक्सेस देने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद देखो यहाँ पर दोस्तों वापस वो फेसबुक का आइकॉन दिखा रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों लॉक हो चुका है। तो अभी अपन फेसबुक में जाके ट्राई करेंगे दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये यहाँ पर स्क्रीन आ रहा है, जो अभी मैं पासवर्ड डालूंगा, अभी जो रिसेंटली टाइम हुआ है वो 4:18। तो देखो 0418 जो बता रहा है दोस्तों वही आपको डालना है इसमें, 0418। ये देखो दोस्तों ये खुल गया है। अभी दोस्तों क्या है कि कुछ लोगों को कैसे तुरंत पता चल जाता है कि ये ऐप लॉक है, तो यहाँ पे इसमें और एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि ऐप लॉक में जाकर आप जो ये आइकॉन बता रहा है, ऐप लॉक का जो आइकॉन बता रहा है उसको भी हाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको उसके लिए क्या करना है दोस्तों, सीधे ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद वापस आपको जो पासवर्ड है वो देना पड़ेगा। तो अभी 4:19 हो रहा है, तो 0419।
तो देखो दोस्तों ये खुल गया है। उसके बाद में जो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखो यहाँ पर जो ऑप्शन बता रहा है दोस्तों हाइड ऐप आइकॉन, वहाँ पे आपको जाकर टाइप कर देना है। तो ये देखो यहाँ पर दोस्तों आपको बताएगा, इसको इनेबल करने के लिए आपको हाइड ऐप आइकॉन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सीधा आपको ट्राइड पे क्लिक कर देना है, और ट्राइड पे क्लिक करने के बाद तो दोस्तों ऐप लॉक का आइकन जो है वो अभी मेरे मोबाइल स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा है दोस्तों। ये देखो यहाँ पर जो था ये मेरा ऐप लॉक का आइकन था, तो यहाँ से अभी वो चला गया है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और